तेजारी नगर थाना क्षेत्र स्थित खंडवा रोड पर साईं कृपा ढाबा संचालक और पूर्व शिवसेना प्रमुख रमेश साहू की अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां पीछे के रास्ते से दीवार कूदकर आए बदमाश ने अचानक रमेश साहू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की जानकारी के बाद DIG हरि नारायण चारी मिश्र सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस लूट की नीयत और पुरानी रंजिश दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये ओम साईं राम ढाबा खंडवा रोड पे है। इसके मालिक हैं रमेश साहू, यहीं ढाबे पे रहते हैं। रात के करीब 1.5 से 2 बजे के बीच की घटना है। 3 लोग देखे गए हैं जो यहाँ आए इनके पास, और इनसे कुछ विवाद हुआ है और गोली मार के इनकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि सर बंधक भी बनाया गया था। नहीं, इनके ये एक कमरे में सोते हैं, दूसरे कमरे में इनकी पत्नी और बेटी है रहते हैं। मतलब यहीं रहते थे या सर ये यहीं ढाबे पे? हाँ, यहीं पे रहते थे। ढाबा चोर कहाँ से आते हुए नजर आए? CCTV फुटेज में कुछ सामने आया था? नहीं, CCTV फुटेज नहीं आया कहीं सर। चूँकि मतलब पीछे गार्डन है और सर आसपास की जमीन है, तो सर क्या लगता है कि कुछ आने के मतलब कहाँ से? पीछे से खुला हुआ रास्ता है, सामने से तो गेट है, इसमें ताला डलाता है, लेकिन पीछे से खुला हुआ रास्ता है, तो संभवतः पीछे से ही कहीं से आए हैं। किस चीज की आशंका है? क्या मतलब लूट के हिसाब से प्रयास से ही आए थे या सर कुछ और मामला? अभी ये कई एंगल हो सकते हैं इसमें। हम लोग दो बिंदुओं पे खासकर फोकस कर रहे हैं। एक तो ये है कि इनकी हत्या हुई है, तो हो सकता है कहीं प्रॉपर्टी का विवाद हो या कुछ भी, इनका आपसी रंजिश हो, और रात में इसको घटना को डाइवर्ट करने के हिसाब से रात में आए हों, जिससे कि चोरी लूट लगे। दूसरा, चोरी हो या लूट के इरादे से भी आए हैं, तो उस एंगल पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि किस कोई से पद पर भी वो थे? ये पूर्व में शिवसेना में रहे हैं, शायद राज्य प्रमुख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वर्तमान में ये कोई राजनीतिक या ऐसे कोई धार्मिक संगठन से किसी प्रकार से कोई बात परिजनों से पूछताछ हुई है।